इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि इस वीडियो के बाद हर 15 से 30 दिनों के बीच अटैक ऑन टाइटन के ऑलमोस्ट सभी फेमस कैरेक्टर्स के ऊपर मैं वीडियोस डालूंगा और अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एंड होने तक ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी और एरेन, मिकासा और आर्मिन जैसे कैरेक्टर की वीडियोस सबसे आखिर में आएगी ताकि उसमें शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे पॉइंट्स कवर हो सके। और इन वीडियोस के साथ साथ मैं दूसरे टॉपिक्स के वीडियोस भी डालता रहूंगा, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एंड तक ये पूरी स्टोरी ह्यूमंस की टाइटन के साथ लड़ाई की और ह्यूमंस के सर्वाइवल की थी। सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक सर्वे कॉप्स वॉल के पीछे सर्वाइव किए हुए लोगों को बचाने के लिए लड़ रही थी, यानी कि इन सबका एक ही गोल था, वो है सर्वाइवल। यहाँ तक कि एरन का भी यही गोल था कि टाइटन्स को मारकर इंसान फ्रीडम से रह सके, पर सर्वे कॉप्स के कमांडर एरविन स्मिथ जो इन सबको अपने गोल्स के लिए लीड कर रहे थे, उनका गोल कभी ये नहीं था। उसे अपने पिता की वॉल्स के बाहर भी इंसान एग्जिस्ट करने की थियरी को सच साबित करना था, यानी कि एरविन का गोल कभी ह्यूमंस के सर्वाइवल का था ही नहीं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने पिता की थियरी को सच मान लिया था। उसे सिर्फ ये प्रूव करना था कि उसके पिता सही थे और इसीलिए गवर्नमेंट ने उन्हें मरवा दिया। पर इन सब के बावजूद एरविन ने एज ए लीडर और एज ए सोल्जर अपनी आखिरी सांस तक अपने इस गोल को अपने काम के आगे आने नहीं दिया। एरविन का पर्सनल गोल भले ही अलग था, पर उसका अल्टीमेट गोल तो ह्यूमैनिटी को आगे ले जाना ही था। चाहे दूसरे तरीके से ही सही, पर एरविन ह्यूमंस के इम्प्रूवमेंट के लिए ही लड़ रहा था। तो ऐसे में अगर सबसे पहले बात करें कि एरविन इंसान कैसा था, तो एरविन कुछ हद तक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी रखता था। उसके लीवाय, हांजी और मिके के अलावा कोई खास दोस्त नहीं थे। वो अपने सर्वे कॉप्स के साथियों को भी दोस्त के रूप में नहीं देखता था और एरविन कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। और ये जाहिर सी बात है, क्योंकि बचपन में अपनी इसी गलती के कारण उसने अपने पिता को खोया था। ना सिर्फ सर्वे कॉप्स में, पर एरविन अपनी पूरी लाइफ में अपने आसपास के लोगों से इतना अटैच नहीं हुआ। और इसका पता हमें वहीं से लगता है कि नाइल जो एरविन के साथ ट्रेनिंग में था, उसके साथ भी एरविन की कोई खास दोस्ती नहीं थी। वो उसे एक अपने साथी कमांडर और पुराने क्लासमेट की तरह ही देखता था। एरविन वैसे तो काफ़ी सिंपल माइंडेड था, जो सच है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, पर उसकी सिचुएशन को एनालाइज करने की स्किल्स काफ़ी ज़बरदस्त थी। वो ना ही किसी पर भी भरोसा करता था और ना ही किसी सिचुएशन की सिर्फ एक साइड को देखता था। वो किसी भी सिचुएशन के पीछे का एक बड़ा पिक्चर देखता था और उसकी सिचुएशन को हैंडल करने की टैक्टिक्स भी हर पॉइंट पर फोकस्ड होती थी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल था स्मोक सिग्नल्स। एरविन खुद इस स्मोक सिग्नल्स के आइडिया के साथ आया था, जिसने सर्वे कॉप्स के मिशंस में काफ़ी जाने बचाई थी। और इसी टैक्टिक्स और सिचुएशन को एनालाइज करने की स्किल के कारण वो एक सक्सेसफुल लीडर बन पाया। एरविन एज ए पर्सन काफ़ी इमोशनल था, पर एक लीडर के रोल में होने के कारण वो अपने इमोशंस को कभी शो नहीं कर पाया। पर अपनी मौत के कुछ मोमेंट्स पहले जब वो अपने रिग्रेट्स लिवाय के सामने रखता है, तब हमें पता चलता है कि वो अपने अंदर कितने इमोशंस दबाए बैठा था। उसे वो हर एक सोल्जर की मौत का दुख था जिसकी जान उसकी वजह से गई थी। और उस पॉइंट पर हमें रियलाइज होता है कि जो बात उसने कमांडर जैकरी को बताई थी कि उसके लिए जीने से ज़्यादा मरना आसान है, वो कितनी सही थी। ऐसे सोल्जर स्किल्स में एरविन के पास डेडिकेशन के अलावा कोई खास पावर नहीं थी। सिर्फ अपने गोल को पाने की डेडिकेशन में एरविन एज ए सोल्जर आगे बढ़ता गया। और खुद एरविन को भी पता था कि एज ए सोल्जर वो कभी भी रिप्लेस हो सकता था, इसीलिए वो एरेन को बचाने के लिए खुद की जान की बाजी भी लगा देता है। पर एरविन ना कैसा इंसान था उससे जाना जाता है और ना ही कैसा सोल्जर। एरविन एक लीडर के तौर पर ही इस स्टोरी में था और इसी के लिए उसे जाना जाता है। एरविन ना सिर्फ अटैक ऑन टाइटन में बल्कि सभी एनिमे कैरेक्टर्स के बीच वन ऑफ द बेस्ट लीडर के तौर पर जाना जाता है। एरविन के पास वो सब कुछ था जो एक लीडर के पास होना चाहिए। एज ए लीडर एरविन काफ़ी एम्बिशियस था। वो अपने गोल्स को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और इसी कारण से उसने सिर्फ अपने दम पर ही पूरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। एरविन के लिए लीडर बनना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके एक ऑर्डर पर सैकड़ों लोग मर सकते थे। उसे हर बार पता होता था कि उसके कारण कई लोग मरने वाले हैं, पर अपनी ड्यूटी और गोल्स के सामने वो कुछ नहीं कर पाता था। और एज ए लीडर एरविन ने उन सब मौत की जिम्मेदारी भी ली थी। और चाहे कोई कितना भी कठोर इंसान क्यों ना हो, अपनी वजह से इतने लोगों को मरते हुए देखना, ये जानते हुए भी कि उनकी मौत किसी भी तरह से इनकी इस फाइट में हेल्प नहीं करने वाली, वो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस होता है जो एरविन को कई बार फेस करना पड़ा।
और कमांडर शेडिश को देखकर हम ये अच्छे से बता सकते हैं कि एरविन की जॉब कोई आसान काम नहीं थी और इसके लिए किसी को भी कितना स्ट्रांग होना पड़ता है। पर इन सब के अलावा भी एरविन ने सर्वे कॉप्स को लीड करते हुए काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की जो उसके पहले के कोई कमांडर नहीं कर पाए थे। एरविन का गोल कभी भी वो नहीं होता जो सबके सामने होता है, उसका गोल हमेशा उस सिचुएशन को समझना होता है और उसके रीजंस को फ्यूचर के लिए एनालाइज करना होता है। वो हमेशा सबसे एक कदम आगे सोचता है ताकि उसके सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसे संभालना मुश्किल हो तो वो मेंटली तैयार रह सके। और एक लीडर का यही रोल होता है कि वो टीम को आगे चलाता रहे और वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहे। और एरविन अपने फर्स्ट अपीयरेंस से लेकर एंड तक हमें वही करते हुए दिखा। चाहे एरन को लिवाई के अंडर सर्वे कॉप्स में शामिल करना हो या आनी के फीमेल टाइटन होने की बात जानकर पूरे 104th कैडेट कॉप्स के मेंबर्स को आइसोलेट करके बाकी के टाइटन शिफ्टर्स के बारे में पता लगाना हो, एरविन हमेशा एक कदम आगे ही सोचता था। और तो और एरविन ने अपनी मौत के बाद की भी सिचुएशन को प्लान करके 20 टाइटन को हराया। और यही चीज़ है जो एरविन को एज ए लीडर ग्रेट बनाती है। एज अ पर्सन चाहे एरविन किसी पर भी भरोसा ना करता हो, पर सर्वे कॉप्स के लीडर के तौर पर वो हमेशा अपने साथियों और सबऑर्डिनेट्स पर भरोसा करता था। वो अपनी जान को भी किसी और के हवाले छोड़ने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि एरविन अगर अपने साथियों पर ट्रस्ट नहीं करता तो शायद वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाता जो उसने एज ए लीडर हासिल की थी। और तो और एरविन ने आर्मिन पर खुद से ज़्यादा भरोसा करके बैटल को लीड करने की परमिशन दी थी, क्योंकि उसे आर्मिन पर इतना भरोसा था कि आर्मिन उससे ज़्यादा सिचुएशन को अच्छे से संभाल पाएगा। यानी कि जब लीडर एरविन की बात आती है तो एरविन एज अ पर्सन नहीं रहता, और ये एरविन की सबसे बड़ी खूबी थी। एरविन की कमांडर की जॉब का सबसे मुश्किल पार्ट था कि उसे अपने लोगों और अपने गोल के बीच एक चीज़ को चुनना था, और अपने लोगों को मौत के मुंह में धकेलने के बाद भी ये तय नहीं था कि जो उसे चाहिए वो टारगेट वो अचीव कर पाएगा। यानी कि एरविन आधे से ज़्यादा टाइम गैम्बल ही करता था, पर उसकी सिचुएशन को एनालाइज करने की स्किल की वजह से उसे किस टाइम पर क्या चाहिए वो अच्छे से समझ पाता था। और ये चीज़ हमें दो जगह पर काफ़ी अच्छे से दिखती है। एक, जब सीजन 2 में एरन को राइनर और दूसरे लोगों से एरविन बचाने चाहता है तब उसका किसी भी तरह से गोल था कि एरन को बचाया जाए, क्योंकि उसे पता था कि अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो उसे एरन की ज़रूरत पड़ेगी और वो एरन के बिना अपने गोल में आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए उस सिचुएशन में एरविन अपनी खुद की चिंता किए बिना एरन को बचाता है, और वो भी अपने आप, जिसमें उसने अपना एक हाथ गंवा दिया था। और दूसरी बार तब जब सिगन सिन्हा में वॉल मारिया को रिटेक करते टाइम 20 टाइटन को हराने के लिए और वॉल मारिया को रिकैप्चर करने के लिए लगभग 200 लोगों के साथ अपने आप को भी कुर्बान कर देता है, सिर्फ लिवाई पर भरोसा करके कि वो 20 टाइटन को हरा पाएगा, क्योंकि एरविन को पता था कि इसके बाद ये चांस उसे कभी नहीं मिलने वाला। और यही वो पॉइंट था जब एरविन को पहली बार डिसाइड करना था कि उसे एज अ कमांडर अपनी ड्यूटी निभानी है और ह्यूमैनिटी को बचाना है या फिर अपने गोल को हासिल करना है। और इसी कारण वो बैटल के बीच इमोशनली ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि जिस वजह से उसने इतने सालों तक इतनी मुश्किल ज़िंदगी जीने का फैसला किया, जिस वजह से वो सर्वे कॉप्स में ज्वाइन हुआ, जिस चीज़ के लिए इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा, उसका वो बचपन का ड्रीम आज उसे छोड़ना था। पूरी लाइफ जिस चीज़ के पीछे लगा दी, आज उस अपने गोल को अपनी ड्यूटी के सामने उसे छोड़ना था। और जिस तरह की फीलिंग्स बाकी लोगों ने अपनी मौत के पहले फेस की थी, वही फीलिंग्स एरविन भी फेस कर रहा था, पर एरविन के रिग्रेट्स उन सबसे काफ़ी बड़े थे। एरविन ने इमोशनली हर उस डेथ को दबाए रखा था जो उसके ऑर्डर की वजह से हुई थी, और ये सब इमोशंस उसे अपने आखिरी टाइम पर याद आ रहे थे। और अपने इस ब्रेकडाउन के बावजूद भी एरविन को और 200 लोगों को सीधा मौत के मुंह में लीड करना था ताकि वो लिवाई के लिए 20 टाइटन का ध्यान भटका सके। और अपने इस इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद भी एरविन एज अ लीडर खड़ा हुआ और अपने लोगों को ह्यूमैनिटी के लिए मरने के लिए मोटिवेट किया। और एरविन के लोगों को यूज़ करने की टैक्टिक्स की वजह से उसे काफ़ी कुछ सहना पड़ा। जिन लोगों के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, वही लोग उसका और उसकी सर्वे कॉप्स का विरोध कर रहे थे, जो किसी के लिए भी फेस करना आसान नहीं होता। पर एरविन ने ये सब सह लिया, क्योंकि उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो इन सब से काफ़ी बड़ा है। और जैसा आर्मिन ने कहा कि एरविन ने अपने गोल और ह्यूमैनिटी के लिए अपनी इंसानियत को छोड़ दिया, जो कभी ना कभी किसी को तो करना ही था। यानी कि एरविन ने बाकी लोगों के लिए और अपने गोल के लिए अपने अंदर के इंसान और फीलिंग्स को कुर्बान कर दिया। पर जब हमें एरविन के मोटिवेशंस दिखाए गए तो लोग एरविन को अलग नज़र से देखने लगे कि वो ये सब ड्रीम के लिए कर रहा था, ना कि ह्यूमंस के लिए। पर एरविन को इस तरह से देखना बिल्कुल भी सही नहीं है,
क्योंकि दूसरों से अलग गोल्स और मोटिवेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, और एरविन का गोल अल्टीमेटली ह्यूमंस की ही मदद कर रहा था। उसकी ये सब करने की मोटिवेशंस भले ही अलग थी, पर उसके बाद भी जब टाइम आया तो एरविन ने अपने गोल्स को छोड़कर अपनी ड्यूटी करने का ही फैसला किया। इसीलिए एरविन को सिर्फ अपने ड्रीम की वजह से जज करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अटैक ऑन टाइटन में इशाया मैंने एरविन को काफ़ी अच्छी मौत दी थी, क्योंकि हर कैरेक्टर को ये मौत नसीब नहीं होती, और इशाया मैंने एरविन को मारकर भी उसे अमर कर दिया, क्योंकि बैटल ऑफ शिकांशिना में एरविन को पूरा बिल्डअप दे दिया था, इसीलिए एरविन का मरना तय था। पर सिर्फ आर्मिन और एरविन के बीच चॉइस क्रिएट करके इशायामा ने हम ऑडियंस को दूसरी पॉसिबिलिटी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। पर एरविन की मौत के बाद जो सिचुएशन सर्वे कॉप्स ने फेस की, उसमें ना सिर्फ कैरेक्टर्स ने बल्कि हम ऑडियंस ने भी एरविन की कमी महसूस की। और सीजन 4 में हमें ये अच्छे से दिखा है कि हांजी चाहे सर्वे कॉप्स की कमांडर हो और आर्मिन चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, पर जो एरविन की लीडरशिप की सबको इन सिचुएशंस में ज़रूरत थी, वो दूसरे किसी भी कैरेक्टर से अकेले या साथ मिलकर पूरी नहीं हो पाई। और अगर हम बात करें कि आर्मिन को बचाना सही था या एरविन को बचाना सही था, तो इसमें आर्मिन को बचाना गलत नहीं था, पर एरविन को मरने देना भी सही नहीं था। एक या दूसरे तरीके से एरविन ने खुद ही लिवाई को खुद को बचाने के लिए मना किया था, इसीलिए लिवाई ने उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आर्मिन को बचाया था। और हम ये कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि आर्मिन की जगह एरविन होता तो सिचुएशंस कैसे अलग हो सकती थी। तो एरविन स्मिथ अटैक ऑन टाइटन में वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर था, चाहे उसके गोल दूसरों से अलग थे, चाहे सोल्जर या इंसान के तौर पर एरविन इतना अच्छा नहीं था, पर एरविन स्मिथ हमेशा के लिए एक बेस्ट लीडर के रूप में जाना जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल एनिमे ट्रावर्सिंग को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस, मैं हूँ सीतान मावाणी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।